तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पार्थ और आप लोग देख रहे हो इंडियन रोबोटिक्स। आज का ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं, इसमें मैं आप लोगों का एक रिक्वेस्ट किया हुआ चीज़ करने जा रहा हूं। यानी आप लोगों में से बहुत लोगों ने कमेंट किया, मेरा एक वीडियो है जिसमें मैंने पेल्टायर मॉड्यूल को असेंबल किया था, ठीक है। उस वीडियो को मैंने उस टाइम पर इंग्लिश पर वीडियो बनाता था, ऐसे मुझे इंग्लिश उतना आता नहीं है अच्छे से, ठीक है। लेकिन आप लोगों में से बहुत लोगों ने उस वीडियो के कॉमेंट में मुझे कॉमेंट करके बताया है कि आप लोगों को ये वाला वीडियो का हिंदी चाहिए, यानी आप लोग हिंदी में ये चीज़ सुनना चाहते हो, क्योंकि कुछ लोगों को भी इंग्लिश समझने में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। जैसे मुझे बोलने में होता है, समझने में भी थोड़ा बहुत हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो यही चीज़ सेम चीज़, इसीलिए मैं इस वीडियो को हिंदी में बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो को बनाने के लिए मैं जो पेल्टायर आईसी ले रहा हूँ, ये वही सेम पेल्टायर आईसी है जो उस वीडियो में मैंने यूज़ किया था, जैसे कि आप लोगों को मालूम है TEC1-12706, ठीक है। ये वाला जो पेल्टायर आईसी है, ये बहुत ही कॉमन है, आप लोगों को ऑफलाइन मार्केट में 160 से 150 के आसपास ये मिल जाएगा, ठीक है। अगर ऑनलाइन ख़रीदना चाहते हो तो ऑनलाइन में इसका प्राइस अराउंड आपको 300 रुपया के ज़्यादा ही आएगा, ठीक है। तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप लोग इसको ऑनलाइन नहीं खरीद के ऑफलाइन खरीदे, ठीक है। फिर आते हैं इसका एक खासियत पे, ठीक है। इस पे आप लोगों को दिख रहा होगा दो वायर निकला हुआ है, ठीक है। फर्स्ट वायर जो है ब्लैक वायर, ये है इसका न्यूट्रल वायर, ठीक है। इसका तो उतना काम नहीं है, लेकिन इसके बाद इसके नीचे है ये रेड वायर। ये रेड वायर क्या है? ये रेड वायर है इसका लाइव वायर, ठीक है। इसका एक खास बात है, इसके सेम कलर का एक बटन नीचे दिखेगा आप लोगों को इस वीडियो के नीचे, ठीक है। उस पर लिखा हुआ है सब्सक्राइब, ठीक है। आप लोग उस बटन पे अगर क्लिक करते हो तो आप लोग हो जाते हो मेरा सब्सक्राइबर, ठीक है। यानी आप लोग मेरा एसेट बन जाते हो, ठीक है। तो मेरे को भी खुशी होगा अगर आप लोग सब्सक्राइब करोगे, तो सब्सक्राइब कर दो अगर ऐसे ही और वीडियो देखना है तो, ठीक है। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे, ऐसे मेरे पूरा फेस स्वेटी हो गया है, ऐसे मैं वीडियो बनाता हूँ तो जैसे कि साउंड ना आए तो फैन ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। तो इसीलिए ऐसा हालत है, ठीक है। तो फिलहाल अभी मैं बना लेता हूँ एक पेल्टायर मॉड्यूल, उसको बनाने का फुल इंस्ट्रक्शन वीडियो में होगा, तो आप लोग देखिए और एंजॉय कीजिए इस वीडियो को, और अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना, ठीक है। शुरू करते हैं।
तो ये हो गया है हम लोगों का पेल्टायर मॉड्यूल असेंबल होके रेडी, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। इसको बनाना कोई चाप नहीं है, ऐसा कुछ हाई लेवल का काम नहीं है, ठीक है। बस आप लोगों को चाहिए दो हीट सिंक, एक इसका कूलिंग साइड के लिए छोटा हीट सिंक जो आप लोगों को दिख रहा है, और एक बड़ा हीट सिंक चाहिए इसका हॉटर साइड के लिए, ठीक है। क्योंकि जो हॉटर साइड है उसमें आप लोगों को बड़ा हीट सिंक इसीलिए लगाना पड़ता है ताकि वो जल्दी से वो जो हीट जेनरेट होगा उसको और भी ज़्यादा फैला दे इस हीट सिंक में, और इसके नीचे जो फैन, इसको रेडिएटर का जैसा काम कराना पड़ेगा, यानी ये जो इसके अंदर से हवा को खींच के बाहर निकालेगा, ठीक है। तो फिर ये जो पेल्टर आईसी है ये मैंने यूज़ किया है TEC1-12706, ठीक है। ये और भी ठंडा कर पाएगा इसका कूलिंग साइड को, ठीक है, अगर आप लोग इसका हॉटर साइड को और भी अच्छे से कूल कर पाते हो, ठीक है। तो ये जो आईसी मैंने यूज़ किया है इसको मैं यूज़ करके अराउंड 2.5 आवर में 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक अटेन, या फिर आप लोग बोल सकते हो अचीव कर पाया हूँ, ठीक है। ऐसे तो मैं अभी तक इसमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड अचीव नहीं कर पाया हूँ, तो 0 डिग्री के लिए मुझे लगता है मुझे आईसी चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो इससे ज़्यादा सोर्स लगाना पड़ेगा। वैसे इसका जो सोर्स है मैक्सिमम ये 6 एम्पियर तक काम करता है, ठीक है, और मेरे पास जो है वो है 12 वोल्ट 5 एम्पियर का सोर्स, तो वो भी एक कारण हो सकता है, इसलिए मैं शायद इसमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड अभी तक अटेन नहीं कर पाया हूँ या अचीव नहीं कर पाया हूँ, ठीक है। तो आशा करता हूँ फ्यूचर के किसी एक वीडियो में मैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड को अचीव कर जाऊँगा और आप लोगों को बर्फ जमा के दिखाऊँगा पेल्टियर आईसी को यूज़ करके, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो लगा है अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आज के लिए टाटा बाय बाय।